नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ नगर के कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान व मानवता के ध्वजवाहक थे। उन्होंने देश को मजबूत संविधान देकर गरीबों दलितों एवं बेसहारों को सहारा देने का काम किया। आज पूरी दुनिया में उनको मानने वाले लोग उनकी जयंती को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज संविधान के कारण आम आदमी को लोकतंत्र में चुनाव का अधिकार मिला है। देश के संविधान के निर्माता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश में समता संपन्नता की सोच रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग उनको पुष्प अर्पित कर नमन किए हैं और निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाली दुनिया में आज के दिन उनका जन्मदिन उत्साह के साथ मना रहे हैं। यह सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में व्यवस्था दिया है और निश्चित तौर पर आज हम कह सकते हैं कि संविधान के चलते आज आम आदमी को लोकतंत्र का वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन देश में 70-72 साल के बाद आज जो सरकार सत्ता में इस समय वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया है, जिसके चलते आज देश में आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, भाई भाई की एकता कहीं न कहीं खंडित हो रही है और इस देश में पूंजीपतियों का राज पुनः स्थापित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ऐसे में हमको डॉक्टर साहब के सिद्धांतों, नीतियों और संविधान पर भरोसा करके हमको देश को एक सूत्र में बांधकर पुनः एकत्रित होकर के इन फासिस्ट प्रतिक्रियावादी ताकतों का जवाब देना पड़ेगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।